स्वागत है आपका वहां क्रिकेट में। मैं अभिसार शर्मा। जी हाँ, समझो हो ही गया। टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से आगे है। कल चौथा वनडे जोहान्सबर्ग में होना है, जहां एक और जीत विराट को सीरीज तो जिताएगी ही, साथ ही उन्हें अफ्रीकी धरती पर भारत का सबसे बड़ा कप्तान बना देगी। 20 साल में भारत का कोई भी कप्तान दक्षिण अफ्रीका में कभी वनडे सीरीज नहीं जीता है, लेकिन 3-0 से वनडे सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया इस बार इतिहास रचने से एक जीत दूर। रियली हार्ड फ्रॉम दैट लास्ट टेस्ट टू विनिंग 4 गेम्स इन अ रो इंक्लूडिंग द टेस्ट ऑन यू नो टफ टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, सो वी रियली प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एज अ टीम, बट द जॉब इज नॉट इवन हाफ डन येट। थिंकिंग वी हैव ऑलवेज हैड, एंड इवन इफ यू आर विनिंग we want to keep up our intensity even more than the last game, and I think that's been the biggest plus point of this. Johannesburg ka ye maidan team india ke liye hamesha hi lucky raha hai. ye maidan mein bharat kabhi koi test match nahi hara hai. maujooda series mein bhi yahi test match jeet kar team india ne lay pakdi thi, aur team india yahan isse pehle one day cricket mein bhi pichle 3 mein se 2 match jeete hain. विराट ने 3 वनडे में 2 शतक के साथ 318 रन मारे हैं, शिखर के 162 तो रहाणे के 3 मैच में 90 रन। चहल ने 3 वनडे में अफ्रीका के 11 विकेट उखाड़े हैं तो कुलदीप ने 10। और हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों से ट्विटर पर सवाल पूछा था कि उन्हें क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने अंतर से वनडे सीरीज जीतेगी। भाई आपके जवाब क्या कहते हैं? जी हाँ, सबसे ज्यादा दर्शकों को लगता है कि टीम इंडिया ये सीरीज 5-1 से अपने नाम करने वाली है। आप देख सकते हैं 21% कहते हैं 4-2, 44% जो है वो कहते हैं 5-1, और 6-0 35%। हमारे साथ भारत के पूर्व खिलाड़ी संदीप पाटिल मौजूद हैं। संदीप, स्वागत है आपका। संदीप, देश तो यही कह रहा है कि चलो 5-1 से हम जीत जाएंगे, क्योंकि जो हमारा पोल है उस हिसाब से 5-1 से कह रहा है, तो कल क्या जोहान्सबर्ग में आपको क्या लग रहा है, सीरीज का फैसला हो जाएगा? अभी सर, जो आपने दिखाया है, बताया है, समझो हो भी गया। मैं तो कहूंगा कल यही इधर बदलाव होगा और हो गया का नारा शुरू होगा, क्योंकि जीत की कहानी, जीत की शुरुआत इसी मैदान से, इसी जोबर्ग के मैदान से हुई थी, और जो मोमेंटम, जो कंसिस्टेंसी, जो फॉर्म, जो प्रदर्शन हमारे भारतीय टीम में उसके बाद 3रे टेस्ट मैच में हासिल क्यों दिखाया है, उसे साफ जाहिर है। और जैसे हमने भी बताया कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है, बहुत मुश्किल भरा काम उनके सामने है। 3-0 से पीछे रहने वाली टीम को फिर से खड़े होके उठना, फिर भागना, ये कोई एरे गेरे का काम नहीं होता है। तो मुझे लगता है, ये बताइए, हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है और कि हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, क्रिकेट के खेल में ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा बहुत ही मायने रखता है, और जो ओवर कॉन्फिडेंट शायद हमने पहले टेस्ट मैच में जब श्रृंखला शुरू हुई थी, तो तभी भी इतिहास रचने की भाषा या इतिहास रचने की खबर जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये खेल कुछ ऐसा मजेदार है, इसीलिए उससे मुझे लगता है कि सबक सीखी होगी हमारे सिर्फ कप्तान ने ही नहीं, बल्कि सारे जो हमारे टीम के सदस्य है, खिलाड़ी है, उन्होंने। जी संदीप, शुक्रिया। संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। तो जोहान्सबर्ग में टीम इंडिया को रोकने की ताकत वैसे तो किसी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी में नजर नहीं आ रही, लेकिन कल के मैच में एक ऐसा खिलाड़ी वापसी कर रहा है जो विराट की जीत के सपने पर पानी फेर सकता है। उसका नाम है एबी डिविलियर्स। अफ्रीका आज तक गुलाबी जर्सी में कोई वनडे मैच नहीं हारी है, पर सवाल यह है कि इस बार एबी डिविलियर्स अपनी टीम को हार से कैसे बचाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी अच्छा रहा है। टीम इंडिया के खिलाफ डिविलियर्स ने 29 मैच में 1295 रन बनाए हैं, 51.8 की औसत से। भारत के खिलाफ उनके 6 शतक और 5 अर्धशतक थे। टीम इंडिया के खिलाफ पिछले 3 मैच उनके 2 शतक हैं, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। रिवर्स स्वीप उनकी ताकत है। सीरीज में बुमराह ने डिविलियर्स को 3 बार आउट किया, वहीं भुवनेश्वर कुमार पिछले 3 वनडे में 2 बार एबीडी को पवेलियन भेज चुके हैं।
संदीप ये बताइए कि कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं डिविलियर्स, और उन्हें रोकने के लिए भारत के पास सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र कौन है? अभी सर अकेले हाथ से मैच जिताना अगर कोई जानता है तो ये है एबी डिविलियर्स। मैं तो ये भी कहूंगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे खतरनाक अगर कोई बल्लेबाज साबित हुआ है तो वो है एबी डिविलियर्स। इसलिए बहुत ही और सोच के समझ के साथ हमें हमारे जो सारे गेंदबाज हैं जो बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में हैं, उनको डिविलियर्स को किस तरह से गेंदबाजी है इसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो जब उनको उनके पैर जमते हैं तो कमाल की पारी खेलते हैं, और अगर जी हार और जीत में एक ही अगर फर्क है तो मुझे लगता है कि ये एबीडी हो सकता है। संदीप आप हमारे साथ बने रहिए। तो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारत के दो स्पिनर्स के सामने घुटने टेक दिए हैं, यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। जोहानिसबर्ग में भी क्या वो विराट की तुरुप के इक्के साबित होंगे? इन दोनों पर विराट का भरोसा इतना ज्यादा है कि कप्तान कोहली ने अभी से इन्हें वर्ल्ड कप का एक्स फैक्टर कहना शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में चहल और कुलदीप ने तीन तीन वनडे खेलकर 11 और 10 विकेट अपने नाम किए, यानी कुल 21 विकेट। साउथ अफ्रीका में अश्विन और जडेजा को तीन तीन वनडे खेलने के बाद एक एक विकेट मिले, यहाँ प्रदर्शन का अंतर बहुत बड़ा है। चहल ने विदेश में 10 मैचेस में 22 विकेट हासिल किए, कुलदीप ने इतने ही मैच में 21 विकेट पर कब्जा किया। विदेश में अश्विन और जडेजा की तुलना में इन दो गेंदबाजों का औसत ये बताने के लिए काफी है कि क्यों विदेशी धरती पर चहल और कुलदीप विराट की पहली पसंद बन गए। तो संदीप अब क्या लगता है कि क्या जोहानिसबर्ग और 2019 इंग्लैंड में भी ये दोनों स्पिनर्स वाकई भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ है कि क्या ये दोनों हमारे जो गेंदबाज है ये फिट रह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में हमने देखा है कई बार एन मौके पे खिलाड़ी हमारे अनफिट होते हैं, लेकिन कप्तान का विश्वास हासिल करना बहुत बड़ी बात है। जो विश्वास इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने हासिल किया है, ना सिर्फ हासिल किया है बल्कि बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर और प्रसन्ना के बाद ये ऐसे दो खिलाड़ी, दो नए उभरते खिलाड़ी है जो गेंदबाज है हमारे, इन्होंने भड़कम मचाया है। हमने कभी ये सुना नहीं था, कभी पढ़ाया नहीं गया था कि विदेशी जो टीम है वो इनके सामने घुटने टेक रही है। आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पे संदीप, बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर से आपने इन दोनों युवा स्पिनर्स की तुलना कर दी। आप मेरे साथ बने रहिए, मगर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। क्या दक्षिण अफ्रीका को उसका संकट मोचक जबलपुर से मिलने वाला है?